मॉलदीव्स uh, के, uh, के फॉरन मिनिस्टर साहब मूसा जमीर साहब जिनका नाम है वो आए हुए हैं और डॉक्टर जयशंकर ने उनको बड़े बुरे तरीके से स्नब किया है डॉक्टर जयशंकर ने इसको पकड़ा कोपचे में लेकर रगड़ दिया अच्छे तरीके से और ये आदमी शौक में है अभी जब दो मुल्कों के फॉरन मिनिस्टर्स बैठते हैं तो मैंने कभी देखा नहीं है कि वेलकमिंग जो नोट है पर्टिकुलरली जो डॉक्टर जयशंकर ने जो बातें की है उनकी वीडियो जारी की गई है भारत ने मालदीव में हेल्थ एजुकेशन टूरिज्म एनर्जी समेत कई सेक्टर्स में बहुत काम किया है मालदीव नमक लोहा स्टील प्लास्टिक दवाएं और केमिकल से लेकर सब्जी फल और मीट प्रोडक्ट्स तक भारत से इंपोर्ट करता है सबसे पहले इसको माफी माफी होगी होगी भारत से मांगनी माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से माफी मांगनी होगी कि कौन लोग थे वो जिन्होंने सिर्फ अपनी सियासत चमक, चमकाने के लिए वो घिनौनी हरकत कर डाली जिसका दुश्मन भी तस्वर नहीं कर सकता मोहम्मद मुजू जी हो सकता है भारत आए इसकी पॉसिबिलिटी है मैं तो मोहम्मद मुइजू से कहता हूं देख तुझे अगर इज्जत प्यारी है ना तो तू इंडिया मता भाई मैं फ्रेंकली बता रहा हूं मत इंडिया क्योंकि जिस मूड में जिस मूड में डॉक्टर जयशंकर चल रहे हैं आज की तारीख में तेरे कपड़े उतरेंगे बेटा मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं एक्सीलेंसी इंडिया हैज बीन अ की प्रोवाइडर ऑफ डेवलपमेंट असिस्टेंस टू द मल्टीपल्स आवर प्रोजेक्ट्स हैव बेनिफिटेड द लाइव्स ऑफ द पीपल ऑफ योर कंट्री कंट्रीब्यूटेड डायरेक्टली टू द क्वालिटी ऑफ लाइफ द रेंज फ्रॉम इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स एंड सोशल इनिशिएटिव्स टू मेडिकल इवैक्यूएशन एंड हेल्थ फैसिलिटीज We have also extended financial support on favorable terms in the past. India has been a first responder on numerous occasions for Maldives. Our cooperation has also enhanced the security and well being of your country through shared activities, equipment provisioning, capacity building, and training. Excellency, the world is today passing through a volatile and uncertain period. In such times as we saw during COVID,

और यह पहुंचा है भारत में यह खबर हमने आपको कुछ दिन पहले भी दी थी कि भारत आने वाला है जैसा मुझे लग रहा था वही हुआ डॉक्टर जयशंकर ने इसको पकड़ा कोपचे में लेकर रगड़ दिया इसको तरीके से और यह आदमी शौक में है अभी यह आदमी क्यों शौक में है क्योंकि पहली बार देखिए भारत में ना बड़ा प्यार मोहब्बत से कोई मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स आया है उसको बैठा चाय खाना पूछा उसका कंफर्ट पूछा प्यार मोहब्बत से बात ऐसा भारत पहली बार मैं देख रहा हूं भारत का इतना आक्रमक रूप भाई साहब इसको डॉक्टर जयशंकर ने ऐसे छीला है जैसे किचन में लेडीज वो, वो, आलू छिलती है ना वो लेके चर्र चर्र आलू छिलता है ऐसे इसकी खाल निकाली है इसको गिनवाया है और मैं कह रहा हूं यार ठीक है कभी कभी ना एहसान करो तो गिनवाओ वैसे लोग कहते हैं गिनवाना नहीं चाहिए जताना नहीं चाहिए लेकिन मोलडीव क्योंकि 12 साल नली में रखो कुत्ते की पूछ टेढ़ी की टेढ़ी है इसको सीधे करने का एक ही तरीका है और मैं बताता हूं डॉक्टर जयशंकर ने कैसे इसकी बेजती करी और लिटरली इसकी बेजती हुई है सामने बैठा हो सामने बैठा ये ठीक है ना मूसा जमीर बिल्कुल सामने और ये देखिए टेबल पर बैठे लोग ये फोटो देखिए आप और आमने सामने बैठ के इसकी आंखों में आंखें डाल के डॉक्टर जयशंकर ने बोला है कि भारत ने तुम्हें पैसे दिए जो मॉलडीव में विकास हुआ है वो भारत के पैसे से विकास हुआ है गिन बेटा अब मैं गिनवा रहा हूं तू भी गिन लिख भारत ने क्या क्या करा है ये करा है पहली चीज फिर बोला है कि जो हमने प्रोजेक्ट लगाए हैं मॉलडीव में उससे आम आदमी जो है मॉलडीव का आम नागरिक है उसकी जिंदगी बेहतर हुई है भारत के पैसे से यह भी लिख ये नंबर टू पे लिख तीसरा बोला है कि रेंज फ्रॉम इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स एंड सोशल इनिशिएटिव टू मेडिकल इवैक्यूएशन एंड हेल्थ फैसिलिटीज आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है मॉल का वो आपका जो हेल्थ का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है वो जब कोई बीमार हो जाता है उस बच्चे को उस औरत को उस बुजुर्ग को उस आदमी को उठाना उसकी जान बचाना और सोशल इनिशिएटिव्स ये सब भारत ने करा है सामने बैठा मूसा मूसा ऐसा देख रहा चश्मा उतार के कि यार आज लगता है मार्ड साहब गुस्सा है आज ना छोड़ेंगे ये और डॉक्टर जयशंकर ने बगल में दोस्तों बाय गॉड मुझे ऐसा लग रहा था कि डॉक्टर जयशंकर ने बगल में एक बाल्टी रखी है पानी की ठीक है और उसके अंदर एक जूती है पहले भीगी हुई जूती निकाली लगाया मूसा के एक फिर पानी में डाला बोला कि ऐसे नहीं बार बार उसको पानी में इसको भेगा भेगा के बेज्जती करी है इसकी फॉरेन मिनिस्टर मूसा जमीर ने यह बोला है कि मॉलडीव के राष्ट्रपति श्री मोहम्मद मुइजू जी हो सकता है भारत आए इसकी पॉसिबिलिटी है इसकी संभावनाएं हैं मैं तो मोहम्मद मुइजू से कहता हूं देख तुझे अगर इज्जत प्यारी है ना इज्जत प्यारी है तो तू इंडिया मता भाई मैं फ्रेंकली बता रहा हूं मता इंडिया क्योंकि जिस मूड में जिस मूड में डॉक्टर जयशंकर चल रहे हैं आज की तारीख में जिस मूड में चल रहे हैं तेरे कपड़े उतरेंगे बेटा और अगर मोदी जी ने यह बोल दिया कि एक तरफ से डॉक्टर जयशंकर बैटिंग करेंगे और दूसरी तरफ से अजीत डोवाल साहब बैटिंग करेंगे और बीच में फंस गया मोहम्मद मुजू तो मैं बता रहा हूं इसके कपड़े फटेंगे जिन कपड़ों में आया था उन कपड़ों में वापस मॉल्डीज नहीं जाएगा ये बीच में फंस जाएगा मैं तो मोहम्मद तुम्हें बता रहा हूं तुम पड़ोसी हो इसलिए तो मताओ इंडिया तुम तुम मैं बता रहा हूं पिटने वाले हो बहुत बुरी तरीके से अब मैं वो वर्ड नहीं बोलना चाहता क्योंकि फैमिली चैनल है ये मैं वो वर्ड नहीं बोलना चाहता तुम्हारे साथ बुरा होने वाला है यहां पर तुम फंस गए सोचो सोचो एक तरफ डॉक्टर जयशंकर एक तरफ मिस्टर अजीत डोवाली बीच में मुइजू और ये दोनों टीटी खेल रहे हैं तुम्हारे साथ पिंग पिंग ये जो हमारे फौजी बाहर निकाले और आपके फॉरेन पॉलिसी या आपकी जो सवरानिटी है वो आपको बड़े इम्पोर्टेंट है उन्होंने कहा कि देर इज ए रेसिप्रोकल सेंसिटिविटी मतलब जितने सेंसिटिव आप हैं उतने ही हम हैं और जो दूसरी बात उन्होंने कही उनको उन्होंने कहा कि हमारे पैसे की वजह से मॉलदीव्स के लोगों की जिंदगी बेहतर होगी ये अमूमन मैं आपको एक नया पैटर्न बताऊं कि अमूमन जब दो मुल्कों के फॉरेन मिनिस्टर्स बैठते हैं तो मैंने कभी देखा नहीं है कि वेलकमिंग जो नोट्स है पर्टिकुलरली जो डॉक्टर जयशंकर ने जो बातें की हैं उनकी वीडियो जारी की गई है मतलब मॉलदीव्स के फॉरन मिनिस्टर की मौजूदगी में डेलीगेशन टू डेलीगेशन मुलाकात हो रही है और जब डॉक्टर जयशंकर बोल रहे हैं जिसकी ये मैंने पिक्चर आपके साथ शेयर की हुई है तो वो बोलते हुए उन्होंने ये बताया है उनको कि भैया ये ये चीजें वीडियो से और वो तस्वीर से आप देख सकते हैं कि ये बहुत सारे टीवी चैनल्स पे चल रहा होगा और असल में उन्होंने ये उनको स्नब किया है कि भाई एक रेसिप्रोकल सेंसिटिविटी प्लस डेवलपमेंट असिस्टेंस एंड तीसरी बात कि जो बात भी की है मीडिया पे आ गई है ताकि मालदीव्स की अवाम को पेगाम भेजा जाए मालदीव्स के अवाम को पेगाम भेजा जाए कि के गल कर दे ना यू मस्ट अंडरस्टैंड दैट आपकी जिंदगियों में बेहतर जो है वो इंडियन पैसे से आ रहा है ठीक है जी सो so ये चीजें आज उन्होंने की हैं और यह बड़ी इंपॉर्टेंट सेंस में है